हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज की इस वीडियो में मैंने एक सिंपल, इजी एंड ब्यूटीफुल करवा चौथ मेकअप लुक क्रिएट किया है। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप कुछ मेकअप लुक क्रिएट करो, बट मैंने बताया था आपको कि मैं इतने प्रोडक्ट्स लेके नहीं आई थी यहाँ पे, दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू यू नो क्रिएट एनी मेकअप लुक। बट मैं अभी कुछ प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, सो आई थॉट वाई नॉट आई शुड शेयर दिस यू नो ईजी सिंपल करवा चौथ मेकअप लुक विथ यू ऑल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप से पहले मैंने एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल यहाँ पे अप्लाई किया है अपने फेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है NY बेका वाइटनिंग ग्लोइ सीरम। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीरम है। मेकअप क्रिएट करने के पहले ये मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इससे फेस पे एक इंस्टेंट ग्लो आता है, आपके फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाता है। ऑल्सो ये आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनाता है। तो ये पार्ट मैं कभी भी स्किप नहीं करती, ये स्टेप मैं कभी स्किप नहीं करती। देन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है NY बेका लिक्विड फाउंडेशन। ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि जैसे ही आप इसको फेस पे अप्लाई करोगे, ये फिंगर की हेल्प से भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको यू नो परेशानी नहीं होती है, क्योंकि फाउंडेशन अप्लाई करना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड किया है। ऑल्सो आप इसको फिंगर की हेल्प से भी बहुत ईजिली ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए, बिकॉज ये मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हुआ तो आपकी जितनी भी मेहनत होती है मेकअप पे, वो सब बर्बाद हो जाएगा। एकदम बिल्कुल एक पैचेस से आ जाता है आपके फेस पे, जिसकी वजह से आपका पूरा लुक बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त बिल्कुल यू नो हड़बड़ी में आप मत करो, आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है फाउंडेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने बहुत टाइम लेकर के इसे ब्लेंड किया था और बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है। बिल्कुल भी पैचेस नहीं दिख रहे हैं फेस पे, एंड इसके बाद बिल्कुल यू नो स्किन बहुत इवन सा हो गया है। यहाँ पे ऑल्सो मैंने नेक पे, एयर पे, हर जगह इसे अप्लाई किया है। देन यहाँ पे फिल करने जा रही हूँ मैं अपने आईब्रोज़। तो आईब्रोज़ फिल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिक हैं, बट स्टिल जितने गैप्स मुझे यहाँ पे दिख रहे थे, उस गैप्स को मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। अगेन ये NY बेका ही है, एंड इसे मैं अपने आईज़ के क्रीज एरिया पे, आईज़ के नीचे, ऑल्सो यहाँ पे मैंने ब्राउज़ के ऊपर भी अप्लाई किया है इसे, ताकि जो यू नो मेरी जो आई मेकअप होगी वो थोड़ा सा पॉपअप होके आए। बिकॉज क्या होता है, जो भी आईज़ के नीचे थोड़े थोड़े से डार्क सर्कल्स जैसे होते हैं, तो इसे कंसील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपकी जो भी आईज़ मेकअप होती है, आई की मेकअप होती है, वो बिल्कुल बेकार लगने लगती है। तो बस यहाँ पे इसे अप्लाई किया है मैंने, एंड इस कंसीलर को मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। स्किन बहुत इवन सा लग रहा है। देन यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से कंसीलर को सेट कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है जेल आई लाइनर, जिससे मैं एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल विंग्ड शेप वाली लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ऑल्सो यहाँ पे मैंने अपनी क्रीज एरिया को कट करके, लाइनर से ही कट करके एक शेप दिया है, क्योंकि इस क्रीज एरिया के ऊपर मुझे शेडो अप्लाई नहीं करना है। बस इतने ही दूर में मैं अपनी आई शेडो अप्लाई करने वाली हूँ। देन यहाँ पे मैं एक स्मजिंग ब्रश से इस पूरे लाइनर को स्मज कर लूँगी, ताकि जो भी मेरी लाइनर है वो बहुत अच्छे तरीके से स्मज होकर के ब्लेंड हो जाए। तो स्मजिंग मैं बिल्कुल आउटर साइड से इनर साइड की तरफ कर रही हूँ, ताकि ये पूरे क्रीज एरिया पे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मज हो जाए। उसके बाद जो भी शेडो मुझे अप्लाई करनी है वो मैं अप्लाई करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रही हूँ एक ग्रीन कलर की लाइनर पेंसिल है ये, जिसे मैं अपने पूरे क्रीज एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ जो मेरा आउटफिट होने वाला है वो बिल्कुल ग्रीन और पर्पल का कॉम्बिनेशन होने वाला है। आप जब वो देखोगे मेरा आउटफिट, तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी आउटफिट है, यानी किसकी आउटफिट है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मैं स्मजिंग ब्रश की हेल्प से जो भी आईलाइनर, ग्रीन आईलाइनर मैंने जो अप्लाई किया था, उसको अच्छे से स्मज कर लूँगी, ताकि मेरी आईज़ बिल्कुल इवन सा लगे। उसके बाद यहाँ पे हुडा आई पैलेट से मैंने ग्रीन आई शेडो यहाँ पे यूज़ किया है, इसे अप्लाई कर रही हूँ मैं अपने क्रीज एरिया पे, ताकि थोड़ा सा ब्राइट कलर आ जाए मेरे आईज़ के ऊपर, एंड जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा पॉपअप होकर के आए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ किया है अपने आई मेकअप के लिए।
देन यहाँ पे मैंने एक पर्पल कलर का आई शेडो यूज़ किया है अपने आईज़ के लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करने के लिए। इसे मैं अच्छे तरीके से स्मच कर रही हूँ। एज अ काजल इसे अप्लाई किया है मैंने, ताकि जो भी मेरी आई मेकअप है वो मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच करे, क्योंकि मेरी आउटफिट की कलर भी ग्रीन और पर्पल ही है। तो आईज़ के क्रीज एरिया पर मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया है और लोअर वाटर लाइन पर पर्पल कलर अप्लाई किया है। देन यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं आईलाइनर। बहुत थिक आईलाइनर नहीं अप्लाई किया है मैंने, बहुत एक थिन लाइनर ड्रॉ करी है मैंने। देन आता है कंटूरिंग का पार्ट। तो कंटूर के लिए मैंने नोज़ पे, हॉलो ऑफ द चीक्स, अराउंड फॉरहेड, चिन, ये सारी चीज़ों को मैंने कंटूर किया है। अगेन ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बस मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जितने अच्छे से ब्लेंड होती है ना, उतने अच्छी आपकी मेकअप लगती है। तो बस यहाँ पे जो भी मैंने कंटूर किया था उसको अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो मेरी फेस है उसकी जो शेप है वो शेप अच्छे से पता चले। तो कंटूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं मस्कारा अपने लैशेस पे। फॉल्स लैशेस आई थिंक मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे खुद के लैशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ आईज़ के लोअर वाटर लाइन पे। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं ब्लश। तो ब्लश मैंने यूज़ किया है कलर बार के ब्लशर और हाइलाइटर पैलेट से। ऑल्सो इस पैलेट में आपको दो हाइलाइटर मिल जाएंगे डे और नाइट के लिए अलग अलग, और ब्लश की जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं हाईलाइटर। तो हाईलाइट किया तो मैंने अपने नोज़ को, अराउंड फॉरहेड, अराउंड चिन, हॉलो ऑफ द चीक्स, ऑल्सो इनर कॉर्नर ऑफ द आईज एंड ब्राउज एरिया को हाईलाइट किया था। तो हाइलाइटर एक तरह से आप मेकअप को लास्ट टचअप देने का काम करता है। जैसे ही आप हाईलाइटर यूज़ करते हो ना, आपका जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगने लगता है। तो ये भी एक मेकअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मिलती हूँ आपसे फाइनल लुक के साथ। तो ये है मेरा आउटफिट। हाथों में पहना है मैंने ये चूड़ा, और ये साड़ी देख के आपको याद आ गया होगा कि ये कौन सी साड़ी है। गेस करो कौन सी साड़ी है। तो ये साड़ी है मेरी मम्मी की साड़ी, जो मैंने मम्मी की साड़ी हॉल में शेयर करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली हॉल वीडियो आप ज़रूर देखना। एंड यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं डार्लिंग इसाबेला का ये लिपस्टिक। ये भी मेरा बहुत फेवरेट शेड है। एंड बस ये बिंदी लगाई है मैंने यहाँ पे। एंड जो ज्वेलरी मैं पहनने वाली हूँ, ये ज्वेलरी मेरी मम्मी ने बनाया था, मेरी मम्मी और दी ने मिलकर के बनाया था। तो बहुत सही मैचिंग हो रहा था इस साड़ी के साथ। एंड मुझे खुद में भी ये मेकअप इतना पसंद आ रहा था। बालों में मैंने बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करी थी, तो बालों में मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, एक मेसी सा बन बना लिया है। और ये ज्वेलरी मम्मी और दीदी ने मिलकर बनाया था, तो ये यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ गले में। एंड इसके साथ की मैचिंग ईयरिंग है वो डालने वाली हूँ। बस अब पहनने जा रही हूँ मैं अपने कानों में इयर रिंग, और मुझे खुद में इतना अच्छा फील हो रहा था। मतलब जैसा लुक मैंने सोच रखा था कि मुझे ऐसा क्रिएट करना है, एग्जैक्ट सेम वैसा ही लुक ये क्रिएट हुआ था। आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पसंद आए तो लाइक ज़रूर ज़रूर करना। एंड बस सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करने जा रही हूँ मैं, पहनने जा रही हूँ मैं सिंदूर, जो इस मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑब्वियसली ये करवा चौथ मेकअप लुक है। बस यहाँ पर मैंने सिंदूर पहना है और हो गया ये मेकअप लुक कम्प्लीट। तो ये था मेरा आज का सिंपल, इजी एंड ब्यूटीफुल करवा चौथ मेकअप लुक। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। एंड मेक श्योर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो नामिका मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय।